सर्दियों के आते ही कुछ बीमारियों का चलन बहुत ज्यादा चल जाता है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना। ये सर्दियों में बहुत आम बात है, पर इस आम बात को हम लोग कुछ अपनी आम आदतों को बदल करके, कुछ आदतों को शामिल करके इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई सांस से संबंधित प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, या आप में से कोई जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या बीपी हाई रहता है, तो वो लोग ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये उनके लिए बहुत काम की है। क्योंकि इस वीडियो में ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपकी हार्ट को हेल्दी रखने में, सांस संबंधित दिक्कतों को हल करने में और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बेहद कारगर होंगे। और किस तरीके से आप लोग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली हीट होने लगे और आपको जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी ना हो। आप कब तक अपने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का सहारा लेंगे ताकि आपका आपकी बॉडी गर्म रहे? तो इस वीडियो में आपको एक ऐसी ड्रिंक भी बताऊंगी जिससे कि आपकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली सर्दियों में भी गर्म रहेगी, जिससे कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया बीच में तो आप बहुत ही बेहतरीन एक ड्रिंक को स्किप कर सकते हैं जो कि सर्दियों में आपकी बॉडी को खुद ब खुद हीट करेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्या और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, सर्दियां आ रही हैं और जैसे जैसे सर्दियों के दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे सांस से संबंधित बीमारी होना, या कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, या ब्लड प्रेशर का हाई होना बहुत ही आम बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफी कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऐसे अंग जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देते हैं। और ये जो हाई ब्लड सर्कुलेशन होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही आम हो चुकी है। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको ड्रिंक्स बता चुकी हूँ जिससे कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं, पर इस सर्दी सिर्फ ड्रिंक से काम नहीं चलने वाला है। आपको ड्रिंक्स के साथ में कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों को अपने में शामिल करना होगा, जिससे कि आप ड्रिंक्स और रोजमर्रा की चीजों को शामिल करके आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को आसानी से बीट कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जिससे हम अपनी इन चीजों को बीट कर सकते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को क्योर करने में और आपके सर्दियों में अच्छे दिन बीते इसके लिए बहुत ही कारगर होगी। आखिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम कब होती है? जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो ऐसे में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है। तो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना और हाई ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने के लिए हम लोग को कुछ चीजों को डेली फॉलो करना होगा। वो चीजों में पहला नंबर आता है, सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज करना। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, और आपका जो हार्ट होता है वो इजीली पंप कर पाता है, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी मेंटेन रहता है। एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल रहती है, जिससे कि हमारा हार्ट काफी हेल्दी रहता है। इसके अलावा जो दूसरा है वो है ड्राई फ्रूट्स। अखरोट, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स को अगर हम डेली इनटेक करते हैं तो हार्ट डिजीज के जो जोखिम होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स में मल्टी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके साथ में इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो मिल करके हमारे हार्ट के मसल्स को मजबूत करते हैं और स्ट्रेचेबल करते हैं, जो कि हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए जब भी आप लोग अखरोट या बादाम लें तो ध्यान रखें उसको सोक करके लें, ताकि उसकी जो गर्म तासीर होती है वो ठंडी हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना करे, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी। नेक्स्ट है साबुत अनाज। सर्दी में अंकुरित अनाज का इनटेक करने से बहुत सारी बीमारियों के जो जोखिम होते हैं ना वो ना के बराबर हो जाते हैं, जैसे कि चना, मूंग, ब्राउन राइस। अगर आप इनको रात में भिगो दें और सुबह सलाद की तरह खाएं, मीन्स इसमें वेजिटेबल्स को ऐड कर दें, खीरा, गाजर, चुकंदर, टमाटर और हरा धनिया, इन सब चीज़ों को अगर आप ऐड करके खाते हैं तो ये फाइबर का कंटेंट तो बढ़ाता ही है, साथ ही में हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में भी बहुत मदद करता है। और साथ ही में इसमें फाइबर इतना अच्छा होता है कि ये आपके स्टमक रिलेटेड इश्यूज को भी सॉल्व करता है, और साथ ही में आपका पेट भी बहुत साफ रखता है और वेट भी कम करता है। नेक्स्ट है आप लोग का सीड्स। आजकल सीड्स सुपर फूड्स बन गए हैं। पम्पकिन सीड, सिया सीड, रागी, अलसी के बीज, ज्वार, बाजरा जैसे सीड्स हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड शुगर के लिए और किडनी के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनाने नहीं देते हैं, और इससे हार्ट डिजीज का जो खतरा होता है वो भी ना के बराबर हो जाता है।
नेक्स्ट है जो बड़े बूढ़े कहते हैं हरी सीजनल सब्जियां पत्तेदार जो होती हैं। सीजन में सीजनल सब्जियों का खूब इंटेक करना चाहिए, जैसे कि इस समय पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, ये सब कुछ आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करती हैं और साथ ही में हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाती हैं। नेक्स्ट है पर्याप्त नींद और तनाव रहित रहना। रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा तनाव शरीर में 1600 तरीके के केमिकल्स को रिलीज करता है। इससे आपका हार्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत सारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसलिए अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए और बहुत अच्छी नींद लीजिए। मीन्स 7 से 8 घंटे की नींद बिल्कुल अच्छे से लीजिए आप लोग। ये तो रही वो चीज़ें जिन्हें लेकर के आप अपने आसानी से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को इन सर्दियों में मात दे सकते हैं। इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा और जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया कि इन्हें खाना चाहिए उन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इन चीज़ों को फॉलो करके आप इन सर्दियों में भी अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इसके साथ में आप अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए साथ ही में अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए एक चाय ले सकते हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदा करेगी। तो उस चाय का नाम है केसर वाली चाय, जिसका पहला इन्ग्रीडियंट है आपका अदरक। अदरक आपको कद्दूकस किया हुआ या कूच के एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। साथ में आपको 2 हरी इलायची लेनी है, छोटी है तो 2, अगर बड़ी है तो 1। आप इसको भी कूच कर ले सकते हैं या इसकी स्किन को खोल कर ले सकते हैं। साथ ही मैंने केसर लिया है, ये केसर आपको 10 से 12 पंखुड़ी को यूज़ करना है। ये तीनों ही चीज़ें मिल करके सर्दी में आपकी बॉडी को अंदर से गर्म रखेंगे, जिससे कि आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा। और जब बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा तो आपका जो ब्लड फ्लो होगा उसे भी ओवरवर्क नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम लोग सबसे पहले एक ग्लास पानी लेते हैं, जिसे हम लोग पैन में पोर कर लेते हैं और इसके साथ में हम लोग अदरक को जो कूटा हुआ है उसको हम लोग डालेंगे। इसके बाद में जो छोटी हरी इलायची उसको डालेंगे और उसके बाद जो लास्ट इन्ग्रीडियंट है हमारा वो है केसर, जो कि हमने 10 से 12 पंखुड़ी लिए उसको हम लोग इस पानी में डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को हम लोग ढक करके धीमी आंच पर पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये 1 कप नहीं बचता। अब जैसा कि आप देख रहे हैं केसरिया रंग इसमें आ चुका है और ये हमारी चाय बनकर के रेडी। अब हम लोग इसे स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद में इसे आपको गुनगुना ही पीना है, इसे आपको रखना बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखा भी है तो अच्छी बात है, उसके एक्सट्रैक्ट और भी उस पानी में आ जाएंगे। पर जब भी इसे पीना है इसे गर्म करके बिल्कुल चाय की तरह सिप बाय सिप पीना है, ताकि आपको आपको इस चाय के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। आपको रोज रात में सोने से पहले लेना है। जब आप रात में सोने से पहले इस ड्रिंक को लेंगे तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के तेज होने का इंतजार नहीं करेगी कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्पीड अप हो ताकि आपका जो बॉडी है वो गर्म। इस ड्रिंक को लेकर के आप ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को गर्म कर सकते हैं। इसलिए हर सर्दी में रोज पूरे दिन में एक बार इस ड्रिंक को जरूर लें और सोते समय तो जरूर लें, ताकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट हो सके। तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने कीमती कमेंट्स को मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।